नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की ऑनलाइन योगा क्लास में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे बकासन। ये एक आसन है योग का, जिससे शारीरिक व मानसिक रूप से आप मजबूत बनते हैं, शरीर में लचीलापन बढ़ता है, भुजाओं की मांसपेशियाँ आकर्षक होती हैं, पीठ और कमर की मांसपेशियाँ सीधी अवस्था में हो जाती हैं अगर उनमें हल्का सा मुड़ाव हो, टेढ़ापन हो तो। रीढ़ की हड्डी को टोन करने का कार्य करता है, जिससे हड्डी संबंधी सभी रोग दूर होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, पाचन क्रिया संबंधी विकार दूर होते हैं और आपको विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। सामने हैं दिग्विजय सर, जो कि आज आपको बकासन योग की बारीकियां बताएंगे, आपको बताएंगे कि ये आसन कैसे करते हैं, इसको करते हुए क्या क्या सावधानियां हों, इसके क्या क्या फायदे हों और इसको करने का सही तरीका क्या है। ये सब आज की वीडियो में आपको दिग्विजय सर समझाएंगे अपने आसन के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं बकासन। सबसे पहले फर्श पर ताड़ासन मुद्रा में, अर्थात एकदम सीधे खड़े हो जाएं। आपकी मुद्रा ताड़ासन में इस प्रकार हो कि एड़ियां उठी हुई हों, हाथ ऊपर की ओर खींचे हुए, पूरा शरीर खींचा हुआ। इसके बाद नीचे झुकते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर जमीन पर रखें। आप देख सकते हैं किस प्रकार उंगलियां आगे की ओर सीधी खुली हुई होनी चाहिए, कोहनियां हल्की सी झुकी हुई हों। इसके बाद अपनी बाजुओं को झुकाएं और जितना संभव हो सके घुटनों को फर्श पर आर्मपीट के पास, मतलब कोहनियों से थोड़ा सा ऊपर लाने की कोशिश करें। अपने घुटनों को अपनी भुजाओं से हल्का दबाएं और पैरों की उंगलियों को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करें। धीरे धीरे अभ्यास करें। इसके बाद आपने कमर को ऊपर की ओर उठाएं और भुजाओं पर शरीर का संतुलन बनाने की कोशिश करें। देखिए किस प्रकार, कितनी खूबसूरती से सर कर रहे हैं। एक बार पुनः दोहराएंगे। कोहनियों को हल्की झुका दें, घुटनों से दबाएं, पीछे से पैर को उठाएं। पूरे शरीर का भार हाथों पर टिकाकर पैरों को हवा में उठाएं, संतुलन हथेलियों पर बनाने की कोशिश करें। इसमें सामान्य रूप से श्वास लेते हुए 15 से 20 सेकंड तक इसी मुद्रा में बने रहें और फिर धीरे धीरे अपनी वास्तविक मुद्रा में आएं। एक बार पुनः दोहराएंगे। पंद्रह से 20 मिनट आप कर सकते हैं, या फिर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप 15 सेकंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रारंभ में थोड़ा कम कीजिए, जितना आप शारीरिक रूप से सक्षम हो इसको करने में आप उतना ही इसको शुरू में करें। होठों पर हल्की सी मुस्कान रखें। करने के बाद अपनी श्वास गति को सामान्य बनाए रखें। एक बार पुनः दोहराएंगे। लंबी लंबी सांसें लें। जब आप ये आसन करने के बाद सामान्य स्थिति में बैठें तो अपनी सांसों को एक बार लंबा लंबा लें
गहराई तक लें, फिर छोड़ें, फिर लें, फिर छोड़ें। इससे आपका शरीर सामान्य अवस्था में आ जाएगा थकान के बाद, और आप एक बार फिर से तैयार होंगे इस आसन को करने के लिए। वही क्रियाएं आपने पुनः करनी है, हाथों की उंगलियां खोलकर पैरों का भार हाथों पर, घुटनों को दबाना है कोहनियों के थोड़ा सा ऊपर, शुरुआत में थोड़ा सा ये आसन आपको कठिन लग सकता है, लेकिन इसके लाभ अनेकों हैं, अद्भुत लाभ आपको देगा ये आसन, आपके स्वास्थ्य में बहुत ही रामबाण कार्य करेगा ये आसन। शुरुआत में आप इसको हल्का करें, धीरे धीरे करने की कोशिश करें, हाथों पर पहले भार डालें, पैरों को बिल्कुल थोड़ा सा उठाएं, संतुलन बनाए रखें, बहुत सावधानी से करें। तो एक बार पुनः करेंगे इस आसन को, एक बार पुनः वही क्रियाएं, हाथों की उंगलियां खोलकर पैरों का भार हाथों पर, पूरे शरीर को ये आसन मजबूती प्रदान करता है, न केवल मानसिक रूप से अपितु आप शारीरिक रूप से भी पुष्ट होंगे, मजबूत होंगे। अब बिल्कुल सामान्य अवस्था में सुखासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद 4-5 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और उसको छोड़ेंगे, फिर गहरी लंबी सांस लेंगे उसको छोड़ेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे, एक बार फिर गहरी लंबी सांस, फिर एक बार फिर। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति की वही क्रिया जो हमने इससे पीछे वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में दिखाई थी, उसी को एक बार फिर से दोहराएंगे। ये नित्य करें। जिस दिन आपका योगा की क्लास ना हो, योगा की क्लास का दिन निर्धारित नहीं है, उस दिन भी आप ये योग घर पे ही करेंगे। इन वीडियो को आप जब भी आपको समय लगे आप उनको देखकर इनके साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। पेट से श्वास को नासिका के द्वारा छोड़ते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार इस आसन को बड़ी खूबसूरती के साथ किया जाता है। अनेकों लाभ कपालभाति के। शुरुआत में आप इसको 2-5 मिनट तक कर सकते हैं, या आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने शरीर को अत्यधिक तनाव ना दें। जितनी आपकी शारीरिक क्षमता हो आप उतना ही करें। अपनी सांसों को बाहर की ओर छोड़ते हुए तेज गति से सांसों को धकेलना है बाहर की ओर नासिका के द्वारा। एकाग्रता बनाए रखें, मस्तिष्क को शांत रखें, किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में, मन में ना आने दें। आपके अंतःकरण में आने वाले सभी विचारों को अपने से दूर रखें, शांत मन से, शांत चित्त से ये आसन करें।
अगर आप करते हुए थकान महसूस करें तो थोड़ा विश्राम लेकर इसको पुनः कर सकते हैं। इसके करने के बाद गहरी लंबी सांस लेनी है, फिर छोड़नी है, फिर गहरी लंबी सांस, फिर छोड़िए, फिर गहरी लंबी सांस, फिर छोड़नी है, फिर गहरी लंबी सांस और छोड़ेंगे एक बार पुनः। इसी क्रिया को कुछ देर करते रहें ताकि आपका शरीर मस्तिष्क सामान्य अवस्था में आ जाए और आप अगली क्रिया करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार रहें। अब करेंगे अलोम विलोम। जैसा कि पहले वाली वीडियो में विदित था वही तरीका, वही नियम, एक नासिका से श्वास लेकर दूसरी से छोड़ना, फिर दूसरी से श्वास लेकर पहली वाली से छोड़ना। पूरा श्वास अंदर भरें, बहुत धीमे धीमे करें, अपने भावों को शुद्ध रखें। योगिक क्रिया भारत की अनमोल धरोहर। ये ना केवल आपके शरीर से विकारों को दूर करता है अपितु समाज के विकारों को भी दूर करता है। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति, स्वस्थ मन वाला व्यक्ति एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है जो कि सांस्कारिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वही क्रिया दोहराते रहेंगे, मन को शांत रखें, सभी विकारों को अपने से दूर रखें, एक स्वस्थ चित्त का निर्माण करें, एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करें। अच्छे भाव मन में लेकर आएं, बड़ों का आदर, सभी के प्रति सम्मान, ऐसी भावनाएं श्वास के साथ अंदर महसूस करें और जो विकार है, क्रोध है, उसको श्वास के साथ बाहर निकाल दें, मन को निर्मल रखें। अलौकिक धरोहर। इसके बाद फिर से लंबी गहरी सांस, फिर छोड़ेंगे, फिर लंबी गहरी सांस, फिर छोड़ेंगे, फिर लंबी गहरी सांस, फिर छोड़ेंगे, फिर लंबी गहरी सांस, फिर छोड़ेंगे। इससे आप अगली क्रिया के लिए, अगली यौगिक क्रिया के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से पुनः तैयार हो जाएंगे। अब अगली क्रिया करेंगे भ्रामरी। सबसे लाभदायक प्राणायाम विद्यार्थियों के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। श्वास अंदर लेंगे और नाक से हमिंग की आवाज निकालेंगे, हमिंग की आवाज निकालते हुए जो आपने अंदर श्वास को भरा था उसको हमिंग के द्वारा नासिका से बाहर निकालेंगे। सबसे लाभदायक विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए, ना केवल विद्यार्थी अपितु कोई भी व्यक्ति इसको करेगा तो अलौकिक लाभ प्राप्त होंगे। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, मस्तिष्क को शांत करता है, सर दर्द, माइग्रेन, मस्तिष्क के सभी विकार उनको दूर रखता है, चेहरे पर चमक लाता है, आपकी त्वचा की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाता है। प्राण वायु को बढ़ाता है,
शरीर की आंतरिक सभी बीमारियों को दूर करता है, चित्त को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है। किसी भी कार्य को आप पहले से बेहतर कर पाएंगे, चाहे वो अध्ययन क्रिया हो, अध्यापन क्रिया हो, या अन्य आपके ग्रह के या सामाजिक कार्य हो, आप पहले से बेहतर कर पाएंगे, पहले से ज़्यादा इच्छा शक्ति के साथ कर पाएंगे, पहले से ज़्यादा लगन के साथ कर पाएंगे। अलौकिक लाभ प्रदान करता है ये प्राणायाम। भ्रामरी, पूरे मस्तिष्क को वाइब्रेट करके, कंपित करके सारे विकार बाहर कर देता है। अद्भुत लाभ। आप अवश्य इस प्राणायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें, और जब भी आप बाहर की तरफ श्वास को छोड़ें तो अनुभव करें कि आपके सारे विकार बाहर आ रहे हैं। इसके बाद हथेलियों को आपने घर्षण करना है, रगड़ना है, जब तक कि वो ऊष्मा को प्राप्त ना कर लें, गर्म ना हो जाए। आपको लगे कि हथेलियाँ गर्म हैं, फिर उनको रगड़ कर आपने अपनी आँखों पर रख लेना है। कुछ देर तक इसी मुद्रा में रहेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आपका मन एकदम शांत है, चित्त में कोई भी विकार नहीं है, आप मानसिक रूप से पहले से ज़्यादा मजबूत बन गए हैं, शारीरिक रूप से पहले से ज़्यादा क्षमता अनुभव करेंगे, आपकी दिनचर्या में पहले से ज़्यादा ऊर्जा महसूस होगी। कुछ देर रखने के बाद हाथों को आँखों से हटाएंगे धीरे धीरे, और आँखों को बहुत ही धीमी गति से आप खोलेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका मन, चित्त, अंतःकरण, मस्तिष्क एकदम शांत है, आप पहले से बेहतर हैं। तो आज की योग की कक्षा में इतना ही। हमारी अगली कक्षा में आपसे कुछ नए आसन के साथ, कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नए प्राणायाम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।